होपफुली हमें रियल लाइफ में सीबीआई से कभी एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। ट्रेलर देख रहे हो वो वाकई ट्रेलर है, लेकिन जो लॉकडाउन में शूट हुआ था कि गॉन गेम 1 के जो यूएसपी थी कि जब हम एक्टर्स एक दूसरे को नहीं मिले थे, इट इज कम्प्लीटली ओवर आफ्टर 2 इयर्स। गॉन गेम 2 काफी एक्साइटेड थी पीपल, सेकेंड सीजन का हुआ है, फर्स्ट सीजन जहाँ से एंड हुआ, श्योरिटी रहा सेकेंड सीजन आने वाला है। क्या कुछ कहना चाहोगे ट्रेलर को, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आफ्टर द सेकेंड ट्रेलर? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये बर्थडे मंथ है तो ज़रूर सब देखें, बट ऑन अ सीरियस नोट गॉन गेम एज अ कॉन्सेप्ट इतना रेलिवेंट है एंड जितने भी बहुत सारे अच्छे शोज हैं, बहुत अच्छा कॉन्टेंट आजकल आ रहा है, लेकिन जो लॉकडाउन में शूट हुआ था और लॉकडाउन की वजह से जो जो हुआ है, जो चेंजेस हो रही हैं हमारी कहानियों में, हमारी रिलेशनशिप्स में, तो गॉन गेम सीजन 1 और 2 में आप वो सब पूरा देख पाओगे। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू रीकैप सीजन 1, क्योंकि 2 में तो बहुत मज़ा आने वाला है। और प्लस सीजन 2 का जो एडवांटेज है कि गॉन गेम 1 के जो यूएसपी थी कि जब हम एक्टर्स एक दूसरे को नहीं मिले थे और फिर भी लोगों ने सबकी परफॉर्मेंस को इतनी तारीफ़ की, सबको इतना इंट्रीगिंग लगा, और इस वक्त तो हम एक साथ परफॉर्म किया है, एक साथ हमने डायरेक्टर्स सेट पे था, लाइक लास्ट टाइम तो इवन द डायरेक्टर वाज ऑन आईपैड, सो यू विल सी अ लॉट मोर इंटेंसिटी एंड आई थिंक सो। जो आप ट्रेलर देख रहे हो वो वाकई ट्रेलर है। 7 जुलाई को यू विल सी एग्जैक्टली व्हाट इट इज। सीजन फर्स्ट की मैं बात करूं, काफी शूटिंग आप लोग ने अपने अपने घरों में की थी। काफी नहीं, हमने पूरी शूटिंग अपने घर पे। और इस सीजन में भी व्हेन आई वाज सीइंग द ट्रेलर, काफी जन ने मास्क पहना था, तो तब भी शूट हुआ था? नहीं, मास्क इसलिए नहीं पहना था क्योंकि वो शूटिंग का था। मास्क इसलिए पहना था कि वी वर स्टिल गोइंग ऑन विद द कंटिन्यूटी, बिकॉज ये कोविड में शूट हो रही है, और कोविड में जब जैसे भी जैसे इसमें अगर कोई बाहर का आता है तो जब घर वालों का सीन है उसमें वी हैव केप्ट इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। जैसे जो हमारी जो रुखसार हूज प्लेइंग माई वाइफ, शी इज़ ऑब्सेस्ड बाय सैनिटाइजर, तो वो सीन चलते चलते भी वी हैव केप्ट इट के वो अपना हाथ करे, जो होता है आजकल घरों में, जो हो रहा था स्पेशली अभी पिछले 6 महीने से नहीं हो रहा है, बट टिल अबाउट 6 मंथ्स बैक सब घर पे जब होते थे मास्क, कोई घंटी बजती थी, आज भी अभी भी लगता है कि थोड़ा भी अभी फिर फियर होने लग गया है तो घंटी बजती है तो इमीडिएटली मास्क पहनना पड़ता है। सो दैट्स द रीजन वी आर वेयरिंग मास्क, इट्स नॉट इट्स अ कंटिन्यूएशन कि वो बिकॉज ऑफ फर्स्ट सीजन। सर, रियल लाइफ कैरेक्टर से आप लोग का ये कैरेक्टर कितना मिलता जुलता है, और आप लोग का मतलब क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में, सीरीज में? वेल लकीली मेरा जो राजीव गुजराल का कैरेक्टर है मेरे रियल लाइफ से बिल्कुल नहीं मिलता, बिकॉज आई रियली लव बोथ माई चिल्ड्रेन इक्वली, और माई सन इज नॉट मैरिड बट इफ वेन ही गेट्स मैरिड आई लव माई डॉटर इन लॉ ऑल्सो, बट या द सिमिलैरिटी ऑफ द कैरेक्टराइजेशन इज बेसिकली ये जो वॉट ऑल वी वेंट थ्रू इन दिस 2 ईयर्स इन दिस कोविड, दैट होल इंट्रीग इज देयर इन दैट वेन यू सी द शो, वो यू कैन फील कि देयर इज दिस वायरस इज ऑल अराउंड विद द कैरेक्टर्स, विद you know with one of the character using the sanitizer, itna beautifully used hua hai wo ke the thriller aspect is not, it doesn't look like a documentary which you felt in season 1 also, how well it was used ke wo hospital mein, wo season 1 mein abhi bhi yaad hai mujhe jab wo hum wo scene kar rahe the ke wo hospital mein phone kar rahe hai, at that time mere bete ki death ho gayi hai, but wo bahut logon ke sath us waqt hua tha ke wo apne beton ki body lene bhi nahi ja sakte the, ke hospitals were not allowed, the family was not allowed to go to the hospital if the body had covid or something. So we've used all those things in season 1, and even in season 2 we have used the realistic things of what is happening in this covid in season 2 also. Season 2 ki main baat karu, CBI aa chuki hai season 2 mein, humne dekha trailer mein jaise, to kya ye real life CBI jaldi kaam karega, kyunki real life CBI itne jaldi kaam nahi kar pa rahe, to ye real life mein jo CBI hai jaldi kaam kar payega? होपफुली हमें रियल लाइफ में सीबीआई से कभी एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। हमने ऑन स्क्रीन किया और उसमें बहुत मज़ा आया, एंड यू नो वायरस सीजन 1 में था, एंड जैसे हमारी लाइफ से कोविड और वो वायरस नहीं निकला है, विच इज़ वाई द मास्क, विच इज़ वाई द फियर ऑफ
व्हाट द वायरस कैन डू, तो वो एक लूमिंग विलन टाइप का हमारी लाइफ में अभी भी है. ऑल्सो वायरस ने और लॉकडाउन ने क्या है कि हमारी जो इनसिक्योरिटीज थी, हमारी जो पर्सनालिटी टाइप थी, उसको और अंडरलाइन कर दिया है, जो कि आप हमें हमारे किरदारों में भी देखोगे. एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी ऑन स्क्रीन. जैसे ही कट होता था तो हम लोग में इनफैक्ट जितना प्यार है, सर अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सर मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, वो हमारा से उतना नहीं करते होंगे. इनफैक्ट आई थिंक हमारा से भी करते हैं, करते हैं, बट इट्स जस्ट दैट वो बैलेंस इज वेरी डिफरेंट. बट सीजन टू हैज बीन मेड विद अ लॉट ऑफ लव एंड थैंकफुली लाइक सर सेड दैट वी वर देयर फॉर ईच अदर बिकॉज एनर्जीज एंड वाइब्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस. वी हैड अ ब्लास्ट, रियली अ ब्लास्ट. आल्सो आई विल ऐड कि वी वर ऑल वेरी फॉर्चुनेट. सीजन वन में वी हैड अ वेरी 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 अकम्प्लिश्ड एंड एक्सेलेंट डायरेक्टर निखिल भट्ट, एंड इन सीजन टू अगेन अ पर्सन हु हैज कम अप ऑन बोर्ड. जब यू नो जब एक नया डायरेक्टर आता है, क्योंकि जब सब एक्टर्स ने तो ऑलरेडी सीजन वन किया होता है, ही केम ऑन बोर्ड एंड द वे ही गॉट सो इन्वॉल्व अभिषेक. सो आई थिंक सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद टू एक्सेलेंट डायरेक्टर्स, एंड टुडे व्हाट एवर यू आर सीइंग इज थैंक्स टू बोथ ऑफ देम. द बार हैज बीन रेज्ड. यस सर. सो यूजुअली देखा जाता है कि सीजन वन से जब कहानी सीजन टू में जाती है तो कुछ कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार सेम कैरेक्टर्स हैं, या फिर कैसे इंटरेस्ट मतलब कि इतना पैदा नहीं हो पाता है जितना सीजन वन में पैदा होता है. तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि ये कितना इंटरेस्टिंग है और क्या लोग कितना हुक्ड अप रहेंगे? well, मुझे तो ट्रेलर देख के बहुत लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है. डेफिनेटली हमने कोशिश ये डेफिनेटली की है कि ये बोरिंग नहीं लगे, ऐसे लगे कि ये जो जर्नी है वो आगे बढ़ रही है. वो जो आपको स्टोरी में भी लगेगा कि जर्नी आगे बढ़ रही है. पहले ये था कि सीजन वन का था कि साहिल मर चुका है, और इस वक्त सीजन टू में है कि दे आर ट्राइंग टू प्रूव साहिल इज नॉट डेड, एंड वो सुहानी की कहानी है और ये सब है. सो डेफिनेटली वी आर विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, इट डेफिनेटली इज अ स्टेप अहेड. इट इज़ नथिंग टू डू विद द कैरेक्टर्स आर द सेम, बट इट्स डेफिनेटली मूविंग अहेड. इट्स नॉट कि हमने खाली गॉन गेम उसका नाम रखा हुआ है. लॉट ऑफ टाइम्स आप इंग्लिश शो भी देखते हैं कि वो शो का नाम सेम रहता है, बट वो कंटिन्यूशन नहीं होती है स्टोरी की. इट जस्ट द नेम इज द सेम एंड द स्टोरी इज वेरी वेरी डिफरेंट. But here the characters are actually moving ahead with where we left in season one. मेरा last question. एक आखिरी सवाल, दो सवाल होगा उसमें. ढाई ले ले तू यार. पहला सवाल क्या season three देखने मिल पाएगा, और दूसरा सवाल मिर्जापुर का season three शुरुआत हो चुकी है, shooting है started. कब तक देखने मिलेगा? तो गॉन गेम का ही मैं तो आंसर कर सकता हूँ. मिर्जापुर का तो ये देगी गॉन गेम. बच्चा अभी इस वक्त हम सोच रहे हैं गॉन गेम सीजन टू का. इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट सीजन थ्री, बट डेफिनेटली द वे वुड हैज बैक्ड अस, दे विल डेफिनेटली बैक अस अगेन. द शो इज वेरी गुड, एंड इफ नाउ इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस. इफ ऑडियंस लव द शो, आई एम श्योर वी विल गो अहेड विद सीजन थ्री ऑल्सो. एक्चुअली आई वॉन्ट टू, बिकॉज आई वॉन्ट टू कंटिन्यू वर्किंग विद दीज वंडरफुल एक्टर्स. What about Mirzapur season 3? The shooting is already started. When it is going to come? This year, next year? Hamari gone game na Mirzapur ki baat kar rahe. How long we have to wait for fans have to wait for? मुझे लगता है कुछ भी अच्छा बनने के लिए वक्त देना चाहिए, एंड जो कि थैंकफुली इवन गॉन गेम को दिया गया, एंड इवन मिर्जापुर को. मिर्जापुर का शूट चालू हो चुका है, और अगले साल जैसे ही रेडी होगा आप लोग को देखने को मिलेगा. बट हाँ, थैंक यू. हैप्पी बर्थडे. देखो भाई माइक चल नहीं रहा. थैंक यू.